तो अभी आ गए हैं केक लेने के लिए। सारिका के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है मैंने और हार्दिक ने, तो अभी केक सिलेक्ट करते हैं। कौन सी लेंगे पता नहीं, छोटी वाले ही लेने हैं क्योंकि बच्चों को भी अच्छी लगे ऐसी लेते हैं। बच्चों को कम से कम खाई जाए ना, इसीलिए थोड़ी सी ही लेनी है, छोटी वाली सी। इसमें से फ्लेवर देख लीजिए कौन सी अच्छी लग रही है। ब्लैक फॉरेस्ट, एज ऑलवेज ब्लैक फॉरेस्ट। ये है रस मलाई। सारी आवे वो करो ब्लैक फॉरेस्ट ले। आज ले किलो वाला जो केक आता है राउंड में बड़ा होता। अच्छा, रस मलाई का उसमें रस ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है ये बोले? छोटे केक है से क्रीम से। क्रीम से कल डेप करे लो। केक आवे ना। हां मैंने रहे थे ना। मैं पाइनएप्पल आप दे दो। पाइनएप्पल ले। हां भाई मस्त है। क्रंची पाइनएप्पल। क्रंची पाइनएप्पल चलो वो ले लेते हैं। बहु करी। इट्स 12 o'clock आदि एंड इन 5 मिनट हुज बर्थडे? हिज मॉम। सारिका मम्मीज बर्थडे। Do you want to wish her? You want to wish her happy birthday? Yeah, but what's my card doing? Card? Te banayu to hai kya gyu? Because it's already 12 o'clock. Let's go and wish her. Come on. Javash, it's mommy's birthday now. It's 12 o'clock. Come. Mommy no birthday chhe. Chal. Garam garam jalebi. जैसे कि जयदीप के ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि BMW लेने गए थे और बहुत सारी मस्ती मजाक किया और बहुत ही मजा आया। सो ऑल द बेस्ट टू पटेल फैमिली। वैसे तो मेरी भी फैमिली है पर अभी क्या है कि मेरी फैमिली वो ससुराल वाली ज्यादा होती है ना। तो हाँ अभी माधुपुर जा रही हूँ तो थोड़ी बहुत माधुपुर के लिए शॉपिंग करनी है। लाइक जो नहीं मिलता गाँव में है तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, बच्चों के लिए घर के लिए सब कुछ चाहिए होता था। तो मैंने यहाँ पे सब्जी वाले को भी खड़ा रखा। मम्मी भी बोल रही है कि मैं भी आ रही हूँ साथ में सब कुछ लेने के लिए। तो मम्मी आए फिर साथ में निकलते हैं। आई थिंक ये व्लॉग मैं सुबह रखूंगी, अभी रात को नहीं रखूंगी क्योंकि सेम फिर हो जाता है मेरा और जयदीप का। तो मैं भी दूसरा व्लॉग लूंगी, वो कल सुबह रखूंगी तो सुबह ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जयदीप इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, क्यों है, क्यों है वो आपको देख के ही पता चलेगा। चैनल पे यहाँ बच्चे भी एक्साइटेड, सब लोग रेडी होकर जा रहे हैं कार लेने के लिए। सरप्राइज नहीं देख बेहतरण करने की सारिका। सारिका के नहीं, सारिका ने बोला कि अभी जा रहे हैं कार लेने के लिए तो वही केक कट करेंगे तो लेके आओ। मैं कह दूं यार केक को कवर सरप्राइज आपा मटे रे भाई तो दे। वो है ना इतनी वो है ना सारिका, उसको कोई भी चीज का वो नहीं है कि भाई किसी ने कुछ सोचा होगा, कुछ बोलने का कम है नहीं बोलने का। हम कल रात को लेके आए थे 12 बजे उसको। ए आदि हमनों का 12 बजे केक कट करनी थी। हाँ बच्चे जग रहे थे, वो लोग गए भी विश करने के लिए पर उसके बाद सो गए थे वहाँ पे कनिष्क के साथ इसलिए नहीं गए। तो यहाँ पे केक मिठाई सब कुछ हो गया है रेडी। अभी वहीं पे जाके सरप्राइज, तो वैसे सरप्राइज रही नहीं है पर फिर भी केक कट करेंगे सारिका का बर्थडे का वहाँ पे और सेलिब्रेट भी करेंगे सब कुछ। लेट्स गो। फिर के व्लॉग में सब कुछ अभी देख लेना, मैं वहाँ पे जाके इतना ज्यादा तो शूट नहीं करूंगी क्योंकि फिर सेम हो जाता है तो डिफरेंट आएगा यहाँ पे। नई गाड़ी की आरती, तीनों लेडीज। मम्मी आई जा, तू आई जा, आई जा, आई जा। तो
कार लेके तो घर पे आ गए, सबका खाना पीना चल रहा है। अभी हमारी बस जो है वो एक आध घंटे में है, तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट कर ले। यहाँ पे माधुप को ले जाने के लिए सामान भी रेडी हो गया है और हम भी रेडी हो गए हैं आधे अधूरे थोड़ी देर के लिए। भाई थोड़ी देर के लिए बच्चों को सुला दूँ, थोड़ा रेस्ट हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा इन लोगों को नींद क्यों नहीं आती यार, पता नहीं। बस में सो जाओ। ओके, तो कलरिंग बुक वगैरह लेनी है शिव को, तो वो लेके देंगे। तो बस में रीड करेगा, कलरिंग करेगा, वो सब कुछ होगा। ए फाइट स्टार्ट। यहाँ पे सब लोग सलाह सूचना देते हैं। बिकॉज़ हमारे जो लसन है ना, वो आदि लसन टू मच है। ही इज नॉट गोइंग टू बिहेव गुड इन द बस, टेक केयर, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। निकालने मत देना बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू, ये हमारा लास्ट मोमेंट। अभी नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, डोंट वरी। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बाय द वे, इसीलिए अभी थोड़ा गेट टुगेदर ज्यादा हो रहा है। चाका जाम। यहाँ पे तो वापस मैं आ ही जाऊंगी। शी इज कमिंग बट आई विल नॉट बी हियर। तो हम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं लंदन आऊंगा। लंदन मिलेंगे। बाय बाय। हार्दिक मामा प्रॉपर सेवा में, देखो चद्दर वद्दर बिछा के जाएंगे हमारे लिए। मजा ही जावनी जब ये छोकरा बाद में मजा आए ना जाए, अभी तो इतनी गर्मी हो रही है। बहुत शौक था कि बस में जाना है, इसने बोला था पहले, सुबह बताऊंगा एक्सपीरियंस हमारा। है अभी स्पेशियस है हम तो नहीं। फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम बस में जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से सूरत से माधोपुर। हाँ, बेड हमारा रेडी हो गया है, अभी सो जाएंगे सुबह तक। सुबह तक सो जाना है। मॉर्निंग में पहुंची जाओ तुम। पूरा बेड लेके आए हैं आप। आने जो की मजा गटिया ने। जाता रहे शिव, इन लोगों तो बहुत मजा आने लग गया अभी से। देखो मम्मी, मेरे वो इज स्लीपिंग हियर, दिस इज आवर बेड फॉर टुनाइट। आर यू हैविंग फन? नानू एवढू छे, नानू एवढू छे, बहु मोटो के लोको माटे आपडे छे। हां, सिंगल ऑफ हो जा, सिंगल ऑफ हम काय नो आवे। एनी बेली बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय। अभी दो दिन में मिले। ए जा जल्दी, चली गई बस। ना बियात्री, I don't know, जता रिया से। आदि तू बे जा, आदि का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। बेसी जाजे, बाय बाय। चलो बाय बाय। हाँ यार, आते हैं तब सब लोग कितने खुश खुश होते हैं। कहीं पे जाती हूँ तो रोता है ना सब लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी रोना आ जाता है। वैसे मैं बहुत रोतली टाइप की हूँ नहीं, पर अभी इस मोमेंट में थोड़ा रोना आ ही जाता है। हाँ, इमोशनल हो जाते हैं तो बस। टू डेज यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वहाँ पे सामने के सीट ऊपर और नीचे दोनों के दोनों खाने बन रहे हम लोगों को, तो लॉटरी लग गई। दोनों भाई यहाँ से वहाँ दौड़ धाम ही कर रहे थे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ पे आदि बोल रहा है कि आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ फन। वहाँ यहाँ पे आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। गर्मी थोड़ी स्टार्टिंग में लग रही थी, पर उसके बाद अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा पवन आने लग गया है, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी। You are so bored. Don't touch that. Don't touch it. शिवू सो गया है सामने वाली सीट जो खाली थी वहां पे, और आदि जो है अभी बोर हो गया है, तो क्या करें? Let's play the game. तू कह रहा है चल। तो इसी तरह से हम लोग hide and seek. Hide and seek. इसी तरह से हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। अभी कितने बजे हो गए? सात ही बजे, अभी सात ही बजे हुए हैं। हाँ, बस। नो, नो बडी कैन प्ले विथ यू। तो
तो बस शिवांश वहाँ पे सोया हुआ है, आदि यहाँ पे, और अभी भी मैं तो जगी रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे को मुझे ऐसे छोड़ के नीचे जाने का भी मन नहीं हो रहा है। एक स्टॉप आया है थोड़ी देर के लिए, वो आगे या पीछे एक आधो लेडी है उसको बोल के थोड़ी देर इसको संभाले, तब तक मैं कुछ न कुछ लेके आ जाऊंगी। तो बस अभी ब्लॉग का एंड यही तक देती हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है बस ट्रैवल में, बेस्ट एक्सपीरियंस एवर, क्योंकि कार में क्या होता है ना, पैर और हाथ और सब कुछ दर्द होने लग जाता है बैठे बैठे। इसमें तो बच्चे भी सो गए इतने सुकून से, अभी कितने 8:30 ही बजे हुए हैं, अभी से सो गए हैं, सुबह तक सोते ही रहेंगे, और मैं भी अभी थोड़ी देर के बाद सो ही जाऊंगी, तो सुबह तक कोई टेंशन नहीं है। एक दो दिन में वापस आना है तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सब कुछ, हमारा नॉर्मल रूटीन। कल बहुत ही मजा आने वाला है, कल का वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि कल माधोपुर जाके क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ आएगा। और थैंक यू सो मच जिदीप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया, सारी फैमिली को बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स की, इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी रखी उसमें, तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।